हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए। व्यूअर्स, अगर किसी के मसूड़ों में सूजन रहती है, दर्द भी रहता है और ब्लीडिंग भी होती है, तो ऐसे कंडीशन में जो प्राइमरी कुछ चीज़ें हैं उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सही हो सकती है। इसमें जो उसके कॉजेज हैं, जिन कारणों की वजह से हुई है, इन पर ध्यान देना है। साथ ही साथ एक गम जो लोशन है वो आपको लेना है, जिसको आप लगाएंगे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आपके लिए काम है वो ये है कि आपको सुबह और शाम ब्रश सही से करना है और उसको भूलना नहीं है। और उसके बाद जो नमक के पानी से आपको दिन में 2 बार कम से कम कुल्ला जरूर करना है और मुँह में पानी को रोक के रखना है इस तरीके से। जब वो पानी नॉर्मल हो जाएगा, गुनगुना पानी, तब आपको उसको कुल्ला कर देना है। इतना पानी लेना है कप में या ग्लास में और उससे कुल्ला करना है। दिन में 2 बार इसको करिए। साथ ही साथ एक जो गम लोशन आता है, उस गम लोशन को आप ले सकते हैं, जिसका नाम है जिंजिसोल। और इसकी 3 से 4 बूंदें आपको उंगली पर लेना है और उसकी अच्छे से गम्स में मसाज करना है। अगर आपको उसका थूक बन जाता है काफ़ी देर के बाद, तो आपको उसको स्पिट कर देना है। ध्यान रखिए, ये सारी प्रॉब्लम ओरल हाइजीन सही से मेंटेन ना होने की वजह से ही होती है और फिर आगे चल के और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसमें अगर आप अपनी हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, इस गम लोशन को लगाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आपके लेवल से ही काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। वेल, अगले वीडियो में हम मिलेंगे इम्प्लांट्स के बारे में कि इम्प्लांट टूथ की क्या लाइफ होती है और एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।